हे नाथ, हे प्रभु, हे मेरे प्रभु, हे मेरे नाथ, ये पुकारो सच्चे हृदय से, सब बंधन टूट जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। अरे मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। हे नाथ, हे प्रभु, हे मेरे प्रभु, हे मेरे नाथ, आपको भूलो नहीं। ईश्वर द्वारा इस सुंदर ब्रह्मांड की रचना का कारण है प्राणी मात्र और सृष्टि से उनका अपरंपार प्रेम। विभिन्न युगों में प्रेम और चमत्कार के साथ साथ ईश्वर के परम भक्तों के विषय में भी हमें देखने को मिला है। सतयुग में विष्णु भगवान के परम भक्त भक्त प्रह्लाद की भक्ति, ये ईश्वर का प्रेम ही है जो वे मनुष्य जाति के उद्धार के लिए हर युग में किसी न किसी अवतार में प्रकट होते हैं। इसे दुर्भाग्य कहे या दुर्गुण, किंतु एक बहुत बड़ा सत्य यह है कि इस युग में मनुष्य ईश्वर से दूर होता जा रहा है। परंतु इस धरती पर आज के युग में भी एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने एक मिसाल कायम की है। ऐसी अटूट भक्ति और कृष्ण भगवान से अनोखा लगाव इस युग में शायद ही देखने को मिले। बाल गोपाल श्री कृष्ण की पवित्र नगरी मथुरा वृंदावन में उनका बचपन गुजरा। मथुरा वृंदावन एक ऐसा स्थान जहां कृष्ण आराधना में डूबे भजनों के संगीतमय सुर हर पल हर घड़ी वातावरण को और भी भक्तिमय बना देते हैं। उसी समय से उनके मन मस्तिष्क पर बांसुरी वाले कृष्ण कन्हैया की एक अमिट छवि कुछ इस कदर बस गई कि ठाकुर से उनका एक अनोखा अद्वितीय बंधन जुड़ गया। हर पल ठाकुर की भक्ति में लीन रहना और अपनी उत्कृष्ट जीवन शैली से परिवार के सदस्यों को ही नहीं बल्कि संसार के लोगों को भी प्रेरित करना उनके जीवन का नियमित ध्येय बन गया। उनकी भक्तिमय दिनचर्या ने छोटे बड़े प्रत्येक व्यक्ति को प्रभावित और मोहित किया। वृंदावन की नगरी में आज भी कृष्ण प्रेम और भक्ति को कुछ इस कदर देखा जा सकता है कि यहाँ के निवास स्थानों के नाम भी बांसुरी वाले जुगल बिहारी ठाकुर जी के पवित्र नाम पर ही रखे जाते हैं। वहीं आज भी मुंबई जैसे शहर में एक ऐसा घर है, एक ऐसा परिवार है जो प्रेम और भक्ति में डूबा हुआ है। भोर से ही इस घर में भक्ति का सूर्योदय होता है। क्या सूरज को भी रोशनी दिखाने की जरूरत पड़ती है? उनके गीता के उपदेश सुनकर हम भाव विभोर हो जाते हैं। लोग ठाकुर से जोड़ते हैं, ठाकुर ने इनसे रिश्ता जोड़ा हुआ है। सबको भगवान का स्मरण दिखाती है, भक्ति भक्ति करते थे वो। श्री जी ठाकुर जी की तन मन धन से सेवा करते हैं, तो स्वामी राम सुखदास जी का इनके ऊपर बहुत ज्यादा आशीर्वाद था। इनके ऊपर इनको कोई प्रभु की असीम कृपा है, सरस्वती बैठी हुई है मन में। भागवत, श्रीमद भागवत, गीता, आलवंदार और इन्हीं के विषय के अंदर, कृष्ण के विषय के अंदर ये पुस्तकें बहुत पढ़ती थी। सबका उनको सहयोग मिला, ये उन पर भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। प्रेम की इंजन है, हम सब उनके पीछे बोगी हैं। उन्होंने हमको हमेशा यही पाठ पढ़ाया है कि अच्छा क्या लगे ये जरूरी नहीं है, सच्चा क्या लगे ये जरूरी है। गृहस्थ में रहते हुए सामंजस्य बढ़ाना और वृंदावनी रसोपासना में इतना अध्ययन करना, इतने बता नहीं सकती। उनका हमारे को साथ मिला और हमारा उनको साथ मिला, तो हम दोनों की भक्ति एक हिसाब से बढ़ी। 16वीं सदी में मीराबाई जो कृष्ण की इतनी दीवानी थी कि उन्होंने सांसारिक और पारिवारिक सुख त्याग दिया, ऐसे ही रानी रत्नावली, कर्माबाई और दासीबाई का जीवन भी ईश्वर भक्ति में ही डूबा रहा। थी पिछले कुछ युगों के भक्तों की दास्तान। अब हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलाने जा रहे हैं जिन्होंने इस युग में कृष्ण भक्ति के समर्पण में एक अनोखा कीर्तिमान स्थापित किया है।
आज के युग में जुगल बिहारी श्री कृष्ण कन्हैया की अटूट भक्ति में अपना जीवन समर्पित करने वाली एक असाधारण व्यक्तित्व श्रीमती राजकुमारी जी धूत, जिन्हें राजूबाई जी के नाम से भी जाना जाता है। राजकुमारी जी हमारी भाभी जी हैं और बड़ी धार्मिक है। आज के वातावरण में ऐसी लेडी मिलना मुश्किल है। पसंद किया हमारे देवर के लिए, मैं जान के उनके चेहरे में बहुत अच्छा लगा। भक्ति की प्रेरणा, भक्ति से ओतप्रोत, भक्ति से परिपूर्ण है हमारी आदरणीय राजूबाई जी धूत। माँ भक्ति का तो एक रूप है ही, पर यहाँ पे माँ ने मुझे मेरी जीवन में भगवत गीता जैसी एक बहुत बड़ा पुराण तो कैसे अपने जीवन में उतार सकते हैं, माँ ने मुझे वो सिखाया। मेरे लिए वो माँ से भी ऊपर है और मेरी वो गुरु माँ भी है। जैसे आप पानी से पानी पर नहीं लिख सकते, उसी तरह इनके परिवार के बारे में भक्ति का, इनका भगवान जी जो संबंध है उसका आप अनुभव नहीं कर सकते। बेसिकली शी इज अ कंप्लीट पैकेज, नॉलेज है, भरपूर नॉलेज है, वो एकदम स्पिरिचुअल है। शी हैज ऑलवेज टॉट मी हाउ टू गिव, शी इज ऑलवेज अ गिवर, शी इज वेरी जेनरस। आप पर सभी भक्तों की कृपा रही है, जिसमें मुरारी बापू, रमेश भाई ओझा, पंजाबी भगवान, अखंडानंद जी महाराज, गरुड़ शरणानंद जी एवं सभी राष्ट्रीय भक्तों की कृपा पात्र रही है। ईश्वर भक्ति की तरफ उनके असीमित झुकाव के कारण वे हमेशा ईश्वर की कृपा पात्र बनी रही। राजूबाई जी को अपने शुरुआती जीवन में कई महान संतों और तपस्वियों की संगत और आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। वैसे बचपन से वे चंचल और कुशाग्र बुद्धि की थी, जिस कारण सबके आकर्षण का कारण बनी रही। बचपन में उनकी कई यादें ऐसी हैं जिन्हें वो कभी भुला नहीं सकती, खासकर उनका पुश्तैनी आलिशान घर, जहां उन्होंने अपने दादाजी और पिताजी के साथ समय बिताया था। ये मेरे दादाजी का प्राचीन स्थल, ये रंग जी की कोठी नाम से फेमस था, और इसी रंग जी की कोठी में मेरे दादाजी दादी जी का शरीर भी यही शांत। इसी प्रांगण में वेंकटेश भवन करके मेरे पिताजी ने एक छोटा बंगला बनाया। इसके साथ ही उन्हें वृंदावन का वातावरण खूब भाता था। उसी वातावरण की वजह से उनका कृष्ण प्रेम धीरे धीरे बढ़ता गया। मुझे वृंदावन बचपन से ही इतना पसंद है, तो भी कोई वृंदावन के चरवाहे या कोई वृंदावन के पद गाए जाते थे तो मेरे मन में आता था कि ये कितनी अच्छी जगह है। मैं नाचा करती थी, छोटी सी बच्ची थी जब से। कहीं भी कृष्ण भक्ति में डूबा भजन या कीर्तन सुनाई देता था तो वे उसमें शामिल होने के लिए आतुर हो जाती थी। धीरे धीरे मेरा वृंदावन के प्रति लगाव और प्रेम बढ़ता गया। कहीं राधे की कहीं पर भी निधिवन में और कहीं सेवा कुंज में राधे जी का जही भजन होता था, वहीं मैं भागती थी। उनके इस कृष्ण प्रेम और भक्ति को देखकर उनके परिवार के सदस्य और उनसे जुड़े हुए तमाम लोग अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं। श्रद्धा कहूं या ममता कहूं, आंचल कहूं या चादर कहूं, बूंद कहूं या सागर कहूं, रक्षक कहूं या शिक्षक कहूं, नेह कहूं या स्नेह कहूं, आत्मा कहूं या स्वयं परमात्मा कहूं, करुणा की छाया कहूं या दया की काया कहूं, माँ वो पहली गुरु है जहां से ये जीवन शुरू है। जैसे शिवाजी के लिए जीजा माता थी, वैसे मेरे लिए वो मेरी जीजा माता है। बंबई जैसी माया नगरी में
और भाई जैसा सत्संग, ऐसा वृंदावन का भाव हमको देखने को मिल जाता है, सुनने को मिल जाता है। मेरे को तो समझ में ही नहीं आता कि उसकी क्या कहें। हम सब सखियाँ बहुत बहुत धन्य हैं उनके लिए। ऐसा कुछ आके लगता है कि जिसको हम शब्दों में नहीं कह सकते, शांति मिलती है और ऐसे लगता है कि बस वृंदावन आ गए, ठाकुर के दरबार में आ गए। क्योंकि उन्होंने इस भक्ति को केवल अपने तक ही सीमित नहीं रखा, बल्कि दूसरों के जीवन को खुशहाल करने के लिए उसे सबके साथ बांटा। अब हम आपको कुछ ऐसी अनोखी बातें बताने वाले हैं जिसे आज के युग में इतने बड़े पैमाने पर शायद ही कोई भक्त करता होगा। नियमित रूप से ठाकुर की पूजा और आराधना तो कई भक्त करते होंगे, किंतु आठों पहर ठाकुर की विधिवत आराधना और उनके सुबह जागने से लेकर रात में सोने तक संपूर्ण नित्य कर्म को सेवा भाव से बाई जी कुछ इस तरह से निर्वाह करती है कि राधा कृष्ण के जागृत होने का एहसास होने लगता है। ऐसे लगता है मानो वे ठाकुर से अपने मन की बातें कह रही हो और ठाकुर भी उन्हें प्रसन्न चित्त मुद्रा में अनेक अनेक आशीर्वाद दे रहे हों। राजूबाई जी के जीवन का यह नित्य कर्म इतना अधिक प्रभावशाली और भक्तिमय है कि उसमें शामिल होने मात्र से ही साक्षात ठाकुर के दर्शन होने का आभास होने लगता है। अपने जीवन के प्रत्येक दुख और तकलीफ को भुलाकर साथ ही सुख सुविधाओं को दरकिनार करते हुए वे नियमित रूप से ठाकुर की सेवा और आराधना करना और इस नित्य कर्म को बिना किसी रुकावट या विलंब के प्रतिदिन विधिवत तरीके से एक भव्य रूप में निभाना, ये वाकई में राजूबाई जी जैसी एक महान एवं समर्पित भक्त के लिए ही संभव है। फिर दोपहर 12 बजे राजभोग लगाना और ठाकुर जी को शयन कराना, उसके पश्चात उठापन और आरती। जिस तरह इस संसार में ऋतुओं का आना अटल है, जिस तरह सूर्य का उगना और डूबना तय है, ठीक उसी तरह हर परेशानी, कष्ट या परिस्थिति में राजकुमारी जी का जुगल बिहारी की आराधना और भक्ति में डूबे रहना और सेवा करना भी एक अटल सत्य है। ये सभी विधियां आरती और भजनों के वातावरण में ही संपन्न की जाती है, जो वृंदावन में अक्सर हमें देखने को मिलती है। राजूबाई जी को अपने जीवन में जो भी दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ, उसके लिए उन्होंने असाधारण रूप से कठिन तप किया है।
पारिवारिक और सांसारिक जिम्मेदारियों को बखूबी निभाते हुए उन्होंने कई विद्वान ज्ञानी संतों और ऋषि मुनियों के पवित्र सानिध्य में समय बिताया और ईश्वर भक्ति को लेकर जागृत अपनी भावनाओं को एक विशेष सकारात्मक दिशा प्रदान की। इतना ही नहीं बल्कि अपनी ज्ञान अर्जित करने की जिज्ञासा और उत्सुकता के चलते उन्होंने धर्मशास्त्र और ग्रंथों का गहन अभ्यास किया। घंटों एकांत में ध्यान मग्न होकर ईश्वर का चिंतन करना तो जैसे उनके जीवन का एक अभिन्न अंग हो गया। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। वर्षों तक इसी तरह से नित्य कर्म का पालन करने से उनके मन मस्तिष्क में पुराणों और वेदों की अनेक कथाएं और श्लोक जैसे हमेशा के लिए बस गए। और जब भी वो किसी सत्संग या अन्य कार्यक्रम को संबोधित करती हैं, तो ऐसे प्रतीत होता है जैसे साक्षात दिव्य वाणी उनके मुख से प्रकट हो रही है। यश कमाना हो, धन कमाना हो, विजय लेनी हो या मोक्ष की प्राप्ति के लिए धर्मात्मा मनुष्य को सदा श्रीमद् भागवत शास्त्र का श्रवण करना चाहिए। नहीं हो तो दो श्लोक, एक श्लोक, आधा श्लोक नित्य प्रति करना चाहिए। जैसे कृष्ण भगवान ने अर्जुन की समस्याएं सुलझाई, वैसे हम अनुरोध करते हैं पूज्य बाई जी से कि वो भी हमारी दैनिक समस्याएं, आध्यात्मिक समस्याएं जो भी हो, उनको गीता के माध्यम से, स्वामी राम सुखदास जी के माध्यम से हमारी समस्याओं का हल करें। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। राम जी ने जब लंका पर सेतु बनाने के लिए नल और नील को दिया और नल और नील के साथ में एक गिलहरी थी, वो गिलहरी भी सोची कि चलो हम भी ठाकुर जी का कुछ काम करें, तो गिलहरी अपने छोटे से मुंह में इतनी सी रेती ला करके और बार बार उसके बीच में डाल रही थी। तो राम जी को बड़ा अच्छा लगा कि भाव बहुत अच्छा है, ये सेतु क्या बनाएगी, पर सेतु में अपनी कम से कम अपना कुछ न कुछ भावना व्यक्त कर रही है, अपनी सेवा कर रही है। तो राम जी ने उसको उठा करके उस पर तीन अंगुली फेरी, कहते हैं तब से गिलहरी के हाथ पीठ पर वो तीन अंगुलियां राम जी की फेरी हुई है। उसी प्रकार पूज्य श्री स्वामी जी महाराज ने मेरे पर कुछ तीन अंगुलियां फेरी, मेरे मन में आया कि मैं भी इस गीता प्रचार में गिलहरी की तरह एक बिंदु मैं भी जोड़ दूँ तो ठाकुर जी के प्रचार में हमारा भी नंबर आ जाए और हम भी प्रिय हो जाए। ईश्वर भक्ति के साथ ही उन्होंने अनोखे तरीके से ठाकुर और भगवद गीता के प्रचार और प्रसार में भी अतुलनीय योगदान दिया। राम सुखदास जी महाराज से प्राप्त पुत्रीवत प्रेम ने इस भक्ति को और बढ़ाया। संतों ने यहाँ तक कहा कि आपका जन्म ही राधे रानी के प्रचार प्रसार के लिए हुआ है। एक बार प्रेमपुरी में मायरा था बाई का, मैं मायरे में गई ना तो इतना ज्यादा बाई से अट्रैक्ट हुई कि लगा इनसे कब जुड़ जाऊं या कब इनसे मिलूं। उन्होंने मुझे बहू करके नहीं एक्सेप्ट किया बल्कि एक बेटी करके एक्सेप्ट किया। एक सास बनके कर्तव्य सबसे पहले सिखाया, उसके बाद माँ बनके बहुत प्यार भी दिया। पूरे परिवार के साथ बहुत प्रेम रखती है और पूरे परिवार को बहुत मानती है। आज के युग में एक तरफ जहां सभी लोग सांसारिक बातों में उलझकर ठाकुर से दूर हो गए हैं, वहीं दूसरी तरफ राजकुमारी जी सर्वसामान्य लोगों तक पहुंचकर उनके जीवन में ठाकुर के वचन पहुंचाने का नेक कार्य कर रही हैं। लोगों के जीवन में ठाकुर प्रेम और आस्था को जगाकर उन्हें आध्यात्म से जोड़ने के लिए वे दिवस रात्र प्रयासरत रहती हैं। भजन, कीर्तन, सत्संग और धार्मिक कार्यक्रमों के माध्यम से अनगिनत भक्तों में भक्ति रस का एक अद्भुत समागम करते हुए अपने जीवन को ठाकुर और भक्तों के बीच की कड़ी की तरह इस्तेमाल करती है राजकुमारी जी।
इस कार्य के लिए वे प्रतिवर्ष अनगिनत उत्सव और कार्यक्रमों का आयोजन करती हैं। इस संसार में शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति या परिवार होगा जो निजी तौर पर स्व खर्चे से और स्वेच्छा से इतने बड़े पैमाने पर कोई भी सार्वजनिक कार्यक्रम या उत्सव आयोजित करता होगा। ये तो राजकुमारी जी का ठाकुर प्रेम था जो उनके मन मंदिर में अत्याधिक अंदर तक बस गया था। भगवान के भाव की भूखी बाई जी हर किसी में भगवान का अंश देखती है, तभी तो वो कहती है, आप सबका सद्भाव आज हाथ उठा के मुझे दे दीजिए, जिससे कि हम श्री जी के भाव लड़ाते रहे। जो सुगल सरकार श्री कृष्ण के प्रति अपरंपार भक्ति के कारण ही अपने पूरे परिवार के साथ मिलकर पिछले 35 वर्षों से प्रतिवर्ष इस घर में उत्सवों का मेला लगा रहता है। संपूर्ण भारत वर्ष में इस तरह से उत्सवों का आयोजन शायद ही देखने को मिलेगा। इन उत्सवों का आयोजन इतना भव्य और सुचारू रूप से होता है कि इन्हें देखने के बाद ऐसा प्रतीत होता है जैसे ये कोई ऐतिहासिक पर्व हो। अभी तो ये केवल छोटा सा नजराना आपके सामने पेश है। ए जुगल बिहारी, दिल में, जिगर में, आंख में बस तू ही तू रहे, तेरे सिवा किसी की ना अब आरज़ू रहे, तेरे सिवा किसी को ना देखूं निगाह से, या जुगल बिहारी है अगर प्यारी राधे बिहारी, कम नहीं आप माने, आप माने या न माने, आप माने जुगल बिहारी, कम नहीं दुआ के हाथ उठाओ, या जुगल बिहारी का जश्न बहारा है, मुरादे हो जाएंगी पूरी, ये जश्न बहारा है, और गुलों की कर दो बारिश, कि आज जश्न बहारा है, क्योंकि आज फैज का दरिया है, एक 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 फैज का दरिया है, दरबार में मजा आया। जुगल बंदी में एक तरफ राधा जी की पार्टी थी, दूसरी तरफ ठाकुर जी की पार्टी थी, और जो मजा आया, नहले पे दहले और दहले पे नहले पड़ रहे थे, बहुत अच्छा लगा। सबसे पहले मैं ठाकुर जुगल बिहारी के चरणों में प्रणाम करता हुआ, ऐसे कार्यक्रम मुझे लगता है 21वीं सदी का सगुन है। ऐसा अनोखा उत्सव, ऐसा छप्पन भोग,
देखो भैया, आप सबने देखो होएगा भैया, मैंने अपने जीवन में कभू देखो पावत भोग किशोर किशोरी, पावत भोग किशोर किशोरी, ललिता विशाखा आई सब सखियां। हर उत्सव में श्री जुगल बिहारी के प्रति भक्ति, प्रेम और श्रद्धा का भाव कुछ इस तरह से दिखता है कि मन मंत्रमुग्ध हो जाता है। भजन, आराधना और समर्पण के साथ ही हर उत्सव में श्री कृष्ण कन्हैया के लिए संपूर्ण भक्ति भाव से विशिष्ट रूप से तैयार किए गए स्वादिष्ट छप्पन भोग का ये अनोखा और अद्वितीय दृश्य आज के युग में भला कहां देखने को मिलता है। स्वामी राम सुखदास जी महाराज के पास भागवत, भगवत गीता और सत्संग करती थी, किंतु भीतर ही भीतर मेरे को कोई न कोई अंदर से अपने आप राधे नाम के प्रति, राधे जी के प्रति एक अजीब सा मेरे को मतलब लगता था कि वो मेरे अपने हैं। और प्रेम पंचम पुरुषार्थ है, धर्म अर्थ काम मोक्ष तो आप कई भक्ति से कर सकते हैं, स्तुति कर सकते हैं, वो सब कर सकते हैं, लेकिन प्रेम उससे भी ऊँचा है। जिसको प्रेम मिल जाए उससे ऊपर और कुछ उसे नहीं चाहिए। जो लक्ष्य था वो लक्ष्य मेरा यहाँ वृंदावन में आने के बाद पूरा होता है। मुझे वृंदावन के रज से अति प्रिय है, वृंदावन में श्री राधे रानी के चरण अति प्रिय है, और अब निकुंज बिहारी जी के कारण से मैं रहूँ चाहे नहीं रहूँ ये पूरा घर वो संभालते हैं। यहाँ वैसी की वैसी जैसे वहाँ जुगल बिहारी जी की अष्टयाम सेवा होती है, वैसी की वैसी यहाँ अष्टयाम सेवा होती है। जो पद होता है ब्रजाधिराज नंदना दूत बाब गात्र चंदना, नुलेप गंध वाहिनीम भवाब्धि बीज दाहिनी, जगत त्रय यशस्विनीम लसत सुधा पयस्विनीम, भजे कलिंद नंदिनीम, भजे कलिंद नंदिनीम, कलिंद नंदिनी मतलब जमुना जी, भजे कलिंद नंदिनीम दुरंत मोह भंजन, मतलब दुरंत से दुरंत भी मोह है उसका ये भंजन कर देती है। बहुत सुंदर मूर्ति लेकर के आई थी जयपुर से, और उनकी सेवा करने लगी और अपने आप में उसका इतना रस हो गया कि अपने आप को उनकी माँ समझने लग गई। अब जब माँ समझा है तो पुत्र का तो विवाह करना ही पड़ता है। ठाकुर जी अकेले थे तो इन्होंने जवाब दिया, बोला कि मेरे को हमको ठाकुर की जैसे सुंदर राधा जी कोई मिले, कोई ब्याह करने वाला मिले तो राधा जी को लेके आए। ऐसे कैसे राधा जी को लाए? तो फिर मेरी बहुत इच्छा हुई कि हम श्री जी का ब्याह करें। दूध जी लोग बोले कि हमारे ठाकुर जी के जैसे सुंदर राधा जी मिले, कोई ब्याह करने वाला मिले तो हम राधा जी को लेके आए। तो हमारी इच्छा हुई तो हमने बोले बोले आपकी जोड़ी का टॉप बुला लो। हम लोग नागपुर से यहाँ आए, यहाँ से ले गए हमारे घर नागपुर, सभा मैंने वहाँ रखे, हमने कुंवारी बेटी रहती है। वैसे
और फिर क्या था, नागपुर वाले परिवार की राधा से ठाकुर जी के विवाह की तैयारियां बड़े जोर शोर से होने लगी। इस विवाह समारोह की कई विशिष्टताएं थीं, जिनमें एक विशेष बात थी इसका भव्य मंडप, जिसमें लगाई गई प्रत्येक वस्तु कभी भी पहले उपयोग में नहीं लाई गई थी। इस मंडप का निर्माण कुछ इस तरह से किया गया कि इसमें जो नक्काशी और चित्रकारी थी उसे देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो सभी देवी देवता इस विवाह समारोह में उपस्थित थे। ऐसी साज सजावट कि जिसे देखकर सभी चकित होकर ये सोचने पर विवश हो गए कि ये केवल श्री जुगल बिहारी की लीला ही थी, वरन ऐसा सुंदर मंडप बन पाना असंभव था। 11 फरवरी 1984, विवाह की तैयारियों में दोनों पक्ष के लोग कुछ इस तरह से डूबे थे कि नजारा देखते ही बनता था। एक तरफ जहां ठाकुर जी को पूर्ण विधिवत दूल्हे की तरह सजीले वस्त्र पहनाकर सोने चांदी के आभूषणों से सजाया गया, वहीं दूसरी तरफ राधा जी का भी साज श्रृंगार एक दुल्हन की तरह किया गया। ये विवाह एक अनोखे तरीके से हुआ, शायद किसी इंसान का विवाह भी इतने धूमधाम से नहीं हुआ होगा। इस विवाह में वरमाला, फेरे और सभी विधिवत कार्य संपन्न किए गए। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे स्वर्ग से स्वयं कृष्ण और राधा जी धरती पर अवतरित हो गए हो। इस विवाह में साधु संतों और सामान्य लोगों का कुछ इस तरह से मेला लग गया था कि मुंबई की यातायात कुछ देर के लिए ठप हो गई। देश के महामहिम स्वयं राष्ट्रपति जी को भी रुकना पड़ा था। इतना भव्य था वो समारोह कि आंखें चुंधियां जाती थी। ठाकुर जी की शादी इतनी धूमधाम से करी, स्वर्ग में क्या बोलूं, वैकुंठ में क्या बोलूं, इतना सुंदर ब्याह हुआ आपको बताइए। कई परिचित तो ये मानते हैं कि उन्होंने अपने बच्चों की शादी भी इतने धूमधाम से नहीं की होगी। पूरे शहर में और आसपास के इलाकों में इस विवाह की वर्षों तक चर्चा थी। हिंदुस्तान में वैसी शादी नहीं हुई, भगवान की शादी, और सब मतलब बड़े बड़े शहरों में भी ये पहचान ने, कई लोग पहचान बोलते हैं तो ये बोलते हैं आ कौन, वो राधा कृष्ण का ब्याह करे वही है क्या वो लोग। इस विवाह का आयोजन करके राजूबाई जी ने अपने अपरंपार ठाकुर प्रेम को दर्शाया है। उनकी भक्ति केवल मौखिक नहीं बल्कि संपूर्ण तौर पर अपने जीवन में समाई हुई जीवंत और अद्भुत भक्ति है। परम पूज्य महाराज श्री ने दूल्हे को सोने की चेन पहना के सबका मन हर्षित कर दिया। भगवान को रामव्यास जी दूत ने गोद में लिया था, उधर से राधा रानी को नागपुर वालों ने गोद में लिया था, आपस में दोनों ने वरमाला पहनी, इसके बाद में फेरा की विधि हुई। मैं बाई के साथ में 30 साल से जुड़ी हुई हूँ और मैं एक बार रोड पे से जा रही थी तो उनका आवाज सुनाई दिया मुझे, उस आवाज से मैं खींच के और उधर आई। और हमको जो भाई जी दिया है मेरे को लगता है कोई नहीं दे सकता है। मैंने दिल से भाई जी को अपने मन में गुरु माना हुआ, वो मेरे लिए गुरु भी है, माँ भी है, सब कुछ है, जो भी है मेरे जीवन में एक वही है। तकरीबन 25 साल पहले मिली, जब मुरारी बाबू की कथा क्रॉस मैदान में हो रही थी, पता नहीं क्यों अंदर से इनसे मोहब्बत सी हो गई। आपके द्वारा प्रतिवर्ष बनाए कैलेंडर जो अपने आप में अनूठे होते हैं, इसका इंतजार हर किसी को बड़ी बेसब्री से होता है। सरलता, स्नेह व आत्मीयता, इन तीनों की प्रतिमूर्ति हमारी आदरणीय बाई जी एक जागृत आत्मा के रूप में प्रेम की जीवंत मूर्ति है। ओज पूर्ण वाणी, तेजस्वी प्रतिभा, चुंबकीय आकर्षण वाला व्यक्तित्व सब विद्यमान है आप में। बचपन से ही पूज्य स्वामी जी श्री रामसुख दास जी महाराज में आपकी पूर्ण आस्था रही,
स्वामी जी भी आपसे पुत्रीवत स्नेह करते रहे। स्वामी जी का मार्मिक प्रवचन और श्रीमद् भगवत गीता आपके रोम रोम में समाये हुए हैं। इन्होंने सर्वसामान्य जनमानस में अपनी एक विशेष छवि निर्माण तो की ही है, साथ ही भक्ति रस प्रवाह और मानवीय मूल्यों की प्रेरणा स्रोत बनने के लिए प्रतिष्ठित सम्मान भी प्राप्त कर चुकी है। समाचार पत्रों और पत्रिकाओं में इनके सम्मान में लेख लिखे जाना एक आम बात हो गई है। ठाकुर जी की भक्ति ही उनको ये लेवल तक लेके आई है और उसको पार करी है। दीदी सदैव इसी तरह सबका सत्कार करती रहे, सबको प्यार देती रहे और मुझे बहुत आशीर्वाद दें, और ईश्वर करे वो इसी तरह से इसी मार्ग पर और आगे बहुत आगे बढ़ जाए। और आशीर्वाद देती बोलती हूँ कि ऐसे ही मार्ग चलती रहे और खूब सबको कथा कीर्तन श्रवण कराती रहे। माँ वो पहली गुरु है जहाँ से ये जीवन शुरू है। सुख जहाँ में ऐसा एक ही है जो संतान के सुख को कहती है हाँ हाँ हाँ, और वो इस दुनिया में कहलाती है माँ माँ माँ। मैं ईश्वर को कितना धन्यवाद दूँ कि हमारे घर के अंदर ऐसी लड़की आई कि जिसने, वो कहते हैं कि सब कुल को तार देती है, एक लड़की भक्तिमय होती है तो दोनों कुल को तार देती है। इसके लिए मुझे इतना गर्व होता है इसके ऊपर कि ये इतना सब कर सकती है अपनी मेहनत से। I think Ma is my source of inspiration. The amount of work she does, she's like my idol. I look upon her to achieve something. हमारे बच्चों को जब संस्कार देना था, वो सब बाई जी नहीं दिया। It's very rare to find someone who gives and doesn't expect anything back in return, and that's what Ma is. 26 alphabets are less to discover. कमजोर हालत में भी ये भगवान का काम करती है, और ये हमेशा ऐसी करती रहे, ये हमारी छुट्टा। मैं आशा करती हूँ जिस तरह से हमें मार्गदर्शन मिला है इनके भक्ति का, सदियों तक लोगों को इनके भक्ति का मार्गदर्शन मिलता रहे और वो भक्ति मार्ग पर चलते रहें। For us, Ma, you're a shining star. Ma, I want to tell you that I love you a lot, और मैं आपको अपनी माँ से बढ़कर मानती हूँ। व्यस्त में रहते हुए जो भक्ति की तरफ जाने की मिलता है, उसमें परिवार के सब लोगों का मुझे साथ मिला है। उन लोगों ने मेरे साथ उत्सव, जो जो ठाकुर जी की उत्सव और भक्ति में, उन्होंने सबने मेरा बहुत साथ दिया है। बेटे बहू पोता पोती और जितना मेरा परिवार है, सब उसके लिए मैं बहुत बहुत उनकी आभारी हूँ कि उन्होंने मेरा को साथ दिए। न दिया होता, पति वगैरह ने साथ न दिया होता, तो मैं इतनी आज इस ओर नहीं बढ़ पाती। परिवार और भक्ति दोनों को साथ साथ लेकर चलना मानो तलवार की धार पर चलने के बराबर है। लेकिन राजू बाई जी इस तलवार की धार पर चलते हुए जिस तरह सांसारिकता और आध्यात्मिकता में सामंजस्य बिठाकर अपने जीवन को जी रही है, बड़े बड़े संत भी इनकी प्रशंसा करने से अपने आप को नहीं रोक पाते हैं। आज भी श्री जुगल निकुंज में नियमित रूप से भगवान भक्ति की इस यात्रा में पूरा परिवार साथ चलता है। आज के युग में जुगल बिहारी श्री कृष्ण कन्हैया की अटूट भक्ति में अपना जीवन समर्पित करने वाली एक असाधारण व्यक्तित्व श्रीमती राजूबाई जी धुर। जिस तरह समुद्र को रत्न गर्भा कहा जाता है, रत्नों की खान कहा जाता है, उसी तरह यदि बाई जी को भी भगवत भक्ति का सागर कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। इस सागर के अंदर डुबकी लगाने वाला जिज्ञासु भक्त श्रद्धालु खाली हाथ नहीं निकलता।
बाई जी प्रेम और करुणा की साक्षात मूर्ति थी। उनका संपूर्ण जीवन श्री राधा कृष्ण की भक्ति के लिए समर्पित था। मैं उनके अंदर मीरा जी के रूप का दर्शन करता था। जैसे मीरा कृष्ण भक्ति थी और इस जन्म में पुनः बाई जी ने आकर के श्री राधा रति, श्री राधा भक्ति की उनके हृदय में जो ललक थी उसके लिए बाई जी अहर्निश व्याकुल रहती थी। श्री राधा नाम की रट, श्री राधा नाम की चर्चा, श्री वृंदावन की चर्चा से उनकी प्रेमासुधारा झरझर प्रभावित होती थी। वृंदावन में बाई जी के प्राण बसते थे। मुझे एक बात का बहुत अफसोस भी है और एक खुशी भी है। वो खुशी मुझे करीब 35 वर्ष पहले मुंबई में तब मिली जब मेरी मुलाकात पूरे धूत परिवार से हुई और उसका पूरा श्रेय नित्य निकुंज लीला प्रविष्ट श्री राजकुमारी धूत जी को है। उनसे मेरा मिलना, फिर पूरे धूत परिवार से मिलना, उनके माध्यम से अनेक संतों के मुझे दर्शन हुए और उनके पास उनका आशीर्वाद आदर भाव से उन्हें दीदी भी कहता था। वैसे लगता है कि बाई जी श्री राजकुमारी जी धूत राधा रानी की निकुंज की सखी थी और यहाँ आकर के भी जुगल बिहारी और अपने यहाँ वृंदावन के ठाकुर जी की उन्होंने सेवा करी। एक साधक के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण अगर कुछ है तो वो अथक प्रयास है, अभाव के रहते हुए सेवा और प्रतिकूलताओं के रहते हुए प्रयास, यही वस्तुतः साधक जीवन की परिभाषा है। और जितना मैंने बाई जी के जीवन को देखा, सामाजिक कभी कभी पारिवारिक प्रतिकूलताएं रहते हुए भी अपने गंतव्य तक पहुंचने की एक तृषा, एक पिपासा, अपनी संस्कृति, अपने संस्कारों को सहेजने का एक अथक प्रयास और अपनी अर्जित संपत्ति संस्कारों की अपने परिवार को, अपने समाज को बांटने का एक सुष्ठु प्रयास सदा उनके जीवन में देखा गया। प्रभु उन पर एवं उनके परिवार पर कृपा करें और उनकी गरिमामयी सांस्कृतिक विरासत उनका परिवार सहेजे और समाज में उनकी एक सुंदर स्मृति इसी प्रकार बनी रहे। हे मेरे जुगल बिहारी ठाकुर, आपके कोटि कोटि धन्यवाद, क्योंकि आपने मेरे को ऐसे धर्म पत्नी दी है जो कि हम पूरे परिवार को भगवान के भक्ति में लगाया है और वो पूरे संस्कार दिए हैं और वो संस्कार आगे तक चालू है। इसलिए मैं बताता हूँ कि मेरे आपको कोटि कोटि धन्यवाद। ए खुदा, नहीं हो सकता तेरा कद ऊंचा किसी भी माँ से। तू जिसे आदमी बनाता है वो उसे इंसान बनाती। काकी जी वॉज अ डिवाइन सोल हु वॉज नॉट बॉर्न बट शी वॉज ऑन अ मिशन। She visited planet Earth, completed her mission, and left to merge with the divine who had sent her on this task. On 22nd August 2017, lights went out of our lives when our dear Kakiji merged with the divine light. And this was so abrupt that it came as a real shock to us. She was a pure soul who took birth to guide the people around her, and during her journey, her sadhana was the only companion which kept her going, going, going. I will always remember the first time when I came to Shriniketan. I was doing pranam to JB and she pressed my head to his feet and said, "That's how you do it." And she has always been a guide to me, and I hope that she would have been there for a longer time and our bond would have gone stronger. A lot of things I wanted to discuss with her but just couldn't happen, destiny so to say. I'm missing you, Ma. Ma, is shabd mein sansar ka sara prem hai samaya. Tune hamesha hame vishwas aur vivek ka paath hai padhaya. From our childhood you have donned many roles.
to increase our ability and on each sphere to reach our goals. Like Mother Teresa, she has sowed the seeds of compassion in us. Manavta ka sahi arth bata ke instilled the human touch in us. Kabhi Maa Durga ki tarah, unke roop mein, she was stern to make us responsible by invoking our inner conscious and increasing our atmabal. Lekin aap sada rahengi aur kehlayengi Yashoda Maiya, kyunki aap hi ke karan aur sirf aap hi ke karan hum kehlate hain Jugal Bihari ji ke bhaiya. Umr to bas maa ki kok mein hi badhti hai, baki zindagi to bas umr ghatti hi hai. Maa se koi chhota shabd hai to batao, aur maa se koi bada shabd hai to batana. Kama ke itni daulat bhi main meri maa ko de na paya ki jitne sikkon se meri maa nazar utara karti thi. Sab keh rahe hain ki aaj maa ka din hai. Wo kaun sa din hai jo maa ke bin hai. Jugal Bihari ji ke charanon mein hamari बढ़ती रहे प्रीत और भक्ति. तू जहां भी रहे बस सर पर हाथ रख और बढ़ा हमारी शक्ति. मांगने पर जहां पूरी हर मन्नत होती है, मांगने पर जहां पूरी हर मन्नत होती है, मां के पैरों में ही है तो वो जन्नत होती है. आज मां का प्रसंग है, आज उनका 75वां जन्मदिन है, इसलिए आज मैं आप सब लोगों के सामने मां के बारे में कुछ शब्द कहने का प्रयत्न कर रहा हूं. जीवन में मां की क्या भूमिका है और उसके बेटे के प्रति क्या प्रेम है, इस बारे में मैं तो क्या कोई भी नहीं बता सकता और न कोई समझा सकता है. यदि मां न होती तो इस सृष्टि की रचना नहीं होती, यदि मां न होती तो हम न होते. मैं श्रद्धांजलि या सलामी उस मां को क्या दे सकता हूं जिसने खुद मुझे जना है. मां के जाने का इतना गम है, जितना भी करो सब कम है. सादगी, सहजता, सौम्यता, अनुशासन प्रियता, साहित्यिक, सामाजिक और अपनेपन का गुण मां के अंदर समाया था. मां परिवार समाज की वह कड़ी थी जो अपने और परायों को भेद भुलाकर सबको प्रेम के सूत्र में बांध रखा था. उन्होंने सबको ही जोड़ा था. न जाने कितने लोगों के जीवन को सवारा है, उसमें संस्कार फूंका है. मां इतनी विचारवान और ऊर्जावान थी कि हर कोई उनकी बातों से, विचारों से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता था. आज भी याद है जब मां प्यार से सिर पर हाथ फेरती थी तो ऐसा लगता था मानो भगवान आशीर्वाद देने खुद जमीन पर चला आए.
जन्नत का हर लम्हा दीदार किया था, गोद में उठाकर जब माँ ने प्यार किया था। माँ हमारे जीवन का वह नींव थी जिसकी वजह से हम सब मजबूत हुए। माँ की ममता का कोई मोल नहीं चुका सकता, क्योंकि वो तो अनमोल है। माँ हमेशा कहती थी, मेरा समस्त कार्य, उत्सव या आयोजन जुगल बिहारी जी की कृपा से संपन्न होता है। और आज मैं कहता हूं कि हमारे सब कार्य माँ की कृपा से होता है। माँ को देश के सभी बड़े संतों का सानिध्य और आशीर्वाद प्राप्त था। माँ गम के आंसू और खुशी के ठहाके अंदर से जीती थी। भगवान के भक्त कभी कुछ नहीं चाहते, वे चाहते हैं तो सिर्फ लोक कल्याण, दूसरों की भलाई और प्रभु के प्रेम में लीन हो जाना। भक्त की इस शुद्ध भावना के साथ माँ जीती थी। कहा जाता है कि अपने प्रेम को प्रकट करना चाहिए, मन में नहीं रखना चाहिए। वह माँ के प्रति हमारा प्रेम और उनका आशीर्वाद ही है जो आज हम सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं। यहाँ माँ के प्रति प्रेम की परिणति है कि माँ के जीवन पर बनी फिल्म आज आप सभी ने देखी। अब मैं बात कर रहा हूँ माँ के खजाने की, माँ का खजाना। माँ को डायरी लिखने का बहुत शौक था, उन्हें पुस्तकों से बहुत प्रेम और लगाव था। माँ ने साहित्यिक और सांस्कृतिक संरक्षण के लिए कई प्रकाशन किए जो आप सब जानते हैं। माँ जब भी जुगल बिहारी जी प्रभु का ध्यान करती तो उनके मन में अद्भुत और दार्शनिक भाव और विचार प्रकट होने लगते थे, तो उसी में वो तुरंत डायरी में लिख लिया करती थी। मुंबई और वृंदावन की शेल्फ किताबों और उनके लिखे भरे पन्नों से भरे हुए हैं, आपने पिक्चर में देखा है। इन डायरियों को मैंने पढ़ा, कुछ खास खास विचारों को एक जगह एकत्रित किया, पूरे 6 महीने लगे साहब। माँ द्वारा डायरी में लिखित अगणित विचारों को एक जगह संकलित करके मन के मोती नाम से प्रकाशित किया गया ये छोटा सा प्रयास है। आप लोगों को जाते समय ये पुस्तक अवश्य लेके जाएं, ये उनके खजाने की प्रसादी है। मैं यहाँ मुंबई और मुंबई से बाहर के आए सभी लोगों को हमारा दूत परिवार मन की गहराइयों से सहृदय धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि आपने अपना बहुमूल्य समय आज की शाम हमें दी। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। माँ की याद में कुछ चंद लाइनें के साथ मैं अपने वाणी को विराम दूंगा। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। फूल खिलते हैं, लोग मिलते हैं, फूल खिलते हैं, लोग मिलते हैं, मगर पतझड़ में जो फूल मुरझा जाते हैं वो बहारों के आने से खिलते नहीं। कुछ लोग एक रोज जो बिछड़ जाते हैं वो हजारों के आने से मिलते नहीं। उम्र भर चाहे कोई पुकारा करे सुबह शाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते।
वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। आप सबको इसी रास्ते से ऊपर चार माला भोजन है, प्रसाद है, भोजन है, जो भी आप समझे, इट्स अ बर्थडे डिनर, वी आर सेलिब्रेटिंग अवर बर्थडे, सो इट्स अ